तो हम क्लास 11th बायोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें लास्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, और उसमें जो 5 कैरेक्टर्स थे वो पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दिए थे मैंने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट जो 5 बच्चे थे, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसको आप अगर बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका 6th पॉइंट था कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो लिविंग, ये क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो आपका चल रहा था ना लिविंग के कैरेक्टर्स, वही चल रहे हैं। तो क्या है आपका कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू रेस्पॉन्ड द स्टिमुलाई। ठीक है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टिमुलाई को क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, स्टिमुलाई क्या होते हैं, स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड निकल के आया स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई है एनी चेंजमेंट इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में होने वाली किसी भी चेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ पर किसी ने आके मुझे पिन चुबाया। ठीक है, तो ये क्या है, उसने पिन चुबाया तो क्या करोगे, ईंट से झापड़ मारूंगी। ठीक है, खूब तेज थप्पड़ मारूंगी मुझे। तो ये क्या हुआ आपका, मैं आराम से खड़ी हुई थी, मैं यहाँ पर आराम से खड़ी हुई थी, लेकिन मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने पिन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने चेंज किया, मुझे क्या किया, पिंच किया गया। ठीक है, मुझे पिंच किया तो भाई रेस्पॉन्स तो मिलेगा ही, थप्पड़ मिलेगा ही जोरदार। ठीक है, तो क्या है आपका स्टिमुलाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब चेंज होते हैं तो आपका जो लिविंग बींग है वेल कॉन्शियस होने के नाते क्या प्रोवाइड करते हैं, उसे रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक डॉग खड़ा हुआ है, आराम से सो रहा है, और तुमने क्या किया, पत्थर उठा के दे मारा, ये लो, है ना। तो अब तुमने उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या किया, चेंजमेंट किया, तो अब वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, भौंकेगा, काटेगा, जो भी करेगा, समझ गए। तो लिविंग जो भी होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं आपका, स्टिमुलाई से रेस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट में एग्जाम्पल है आपका इसका माइमोसा क्यूबिका, क्या है, माइमोसा क्यूबिका। ठीक है, माइमोसा क्यूबिका आपका हिंदी में बोलते हैं छुईनी। ठीक है, लार्ज वन टचनी नॉट, प्लांट है, आप उसे जैसे ही टच करते हैं वो अपनी लीफ को क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है। ठीक है, क्या हुआ, आपने उसे स्टिमुलाई दिया, उसने रेस्पॉन्स को, रेस्पॉन्स कैसे शो किया, अपनी लीफ को फोल्ड करके। ठीक है, सनफ्लावर, सनफ्लावर आपका जो लाइट स्टिमुलाई होती है, लाइट के जिधर सन जाएगा उसी तरफ वो अपना फेस जो फ्लावर है उसका मूव करता जाएगा। तो जितने भी लिविंग बींग हैं वो हमेशा क्या करते हैं आपके स्टिमुलाई से आपका रेस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्शियसनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, परसों ही बच्चे ने मुझे पूछा था कि मैम जो लोग कोमा में रहते हैं, ठीक है निशा सुन लीजिएगा, जो लोग कोमा में रहते हैं क्या वो नॉन लिविंग में आएंगे, क्योंकि वो तो कॉन्शियस नहीं होते। ठीक है भाई, क्वेश्चन मैंने भी सुना उनका, अच्छा लगा, चलो देखा तो कम से कम सुना तुमने सही। ठीक, तो आपका क्या है कि जो कोमा में है वो बेसिक कॉन्शियस नहीं है लेकिन वो लिविंग ही है, क्योंकि लिविंग के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है उनका, और जो अदर प्रोसेस है वो बेसिक रेस्पॉन्स को नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कोमा के जो पेशेंट है वो स्टिमुलाई उन्हें उनके दिमाग में जो उनका ईसीजी आपका आता है जो कि वो क्या करते हैं इजिली आपके तो कर देते हैं। ठीक है, मीन्स वो उनके दिमाग में सारी की सारी जो कहानियां हैं वो चल रही होती हैं, और अदर की अदर जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो भी आपकी चल रही होती है। ठीक है, ईईजी, ईईजी ये होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम,
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का मतलब है आपकी दिमाग में जो भी बातें चल रही है उसका एक ग्राफिकल इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो एक कोमा के पेशेंट के अंदर भी चल रहा होता है। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि लिविंग के अंदर आपकी एक प्रोसेस नहीं मिल रही है तो आप उसे नॉन लिविंग कह दें। आपकी 10 प्रोसेस में से अगर 9 उसमें मिल रही है, 8 उसमें मिल रही है तो वो लिविंग ही कहलाएगा। समझ गए अपनी बात? तो आपका कॉन्शियसनेस समझ गए। नेक्स्ट है आपका हीलिंग और रिपेयर। हीलिंग और रिपेयर क्या होता है? हीलिंग एंड रिपेयर का मतलब है अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है, ठीक है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कहीं पर भी आपकी चोट लग गई कुछ टाइम बाद वो सही हो जाती है, वहां पर सेल डिवाइड करके और उसको पूरा हीलअप कर देते हैं, ठीक है, उसे पूरा क्या कर देते हैं, उस चोट को हीलअप कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो ये लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें कि सेल डिवीजन होके उसका जो वाउंड है वो क्या हो जाता है, आपका पूरी तरीके से सही हो जाता है। ठीक है, अगर आपने मेरे चोट लगी तो सही हो जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए मार्कर के चोट लग गई, ठीक है, मार्कर यहाँ से मैं काट दूँ तो ये क्या सही हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक नॉन लिविंग है और हीलिंग एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है केवल जिसका आपका लिविंग डीन का। डन है इसी बात। नेक्स्ट आता है आपका एक्सीशन। एक्सीशन क्या होता है? एक्सीशन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एलिमिनेट देयर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन के बाद क्या बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उस सभी को बॉडी से बाहर एग्जिट आउट करना ही क्या कहलाता है आपका? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एक्सक्रीशन क्या है आपकी? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एग्जिट आउट किया जा सकता है और ये केवल क्या है, लिविंग का ही कैरेक्टरिस्टिक है। लिविंग ही क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एग्जिट आउट कर सकते हैं, जैसे कि स्वेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप तो पसीना आपके अंदर आ सकता है लेकिन आप कहो कि मेरी बॉटल में पसीना आ जाए या फिर इसमें, तो इसमें नहीं आया, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। अब आता है आपका अडप्टेशन। अडप्टेशन क्या है? अडप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी लिविंग के अंदर क्या आते हैं, टाइम के साथ साथ चेंजमेंट आते रहते हैं जिसके कारण वो किसी स्पेसिफिक एरिया में सर्वाइव कर सकते, ठीक है। दोबारा समझाती हूँ। अडप्टेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच डिफरेंट चेंजमेंट अकर इन अ बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन अ एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो इजली क्या कर जाए, आपका सर्वाइव कर जाए, तो उसकी बॉडी में आने वाले चेंजमेंट को अडप्टेशन कहते हैं। जैसे प्लांट की बात करें, अगर हम कोई प्लांट ले जाके और डेजर्ट एरिया में लगाया है, ठीक है, राजस्थान रेगिस्तान में जाके एक प्लांट लगाया है, वहां पर क्या है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो पानी की कमी होने के कारण क्या होगा कि प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर उसे सर्वाइव करना है तो क्या करना होगा, उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजमेंट लाने होंगे। और बॉडी में क्या चेंजमेंट लाएगा प्लांट? ये आपका प्लांट है और ये केवल एक या दो जनरेशन से नहीं होता, नंबर ऑफ जनरेशन लग जाते हैं एडप्टेशन पाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी भाई पानी वहां पर बहुत गहराई में प्रेजेंट है तो उसकी रूट कैसी होगी, रूट सिस्टम वेल डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अडप्टेशन हुआ। एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए प्लांट में होने वाले जो चेंजमेंट है, जो कि कैसे होते हैं आपके परमानेंट होते हैं, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में चलते रहेंगे, वो कहलाते हैं आपके क्या, अडप्टेशन कहलाते हैं। जैसे कि डेजर्ट में प्लांट की रूट का वेल डेवलप हो जाना, ठीक है, वहां पर लीफ जो लीफ होती है, लीफ का कन्वर्ट हो जाना किसने, स्पाइन, ठीक है। डेजर्ट एरिया में आपने देखे होंगे कि जो प्लांट है, जैसे कि अपंसिया कैक्टस, ठीक है, कैक्टस में क्या होता है, कांटे कांटे से होते हैं, वो कांटे क्यों है, इसलिए है वो स्पाइन उसमें, क्योंकि अगर लीफ होगी तो लीफ क्या करेंगी, ट्रांसपिरेशन करेंगे, ट्रांसपिरेशन से क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, बेचारे वहां पर पानी तो मिल नहीं रहा, वाटर का लॉस और करे प्लांट, ठीक है, प्लांट को पानी मिल नहीं रहा और वो ट्रांसपिरेशन करके लीफ से और वाटर का लॉस कर देगा तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वाटर का, तो वो लीफ जो है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है। तो लीफ का स्पाइन में कन्वर्ट होना प्लांट में, रूट का वेल डेवलप होना प्लांट में, ये आपके कुछ अडप्टेशन है जीरोफिटिक कंडीशन के। जीरो फाइव
05 क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। समझ गए इतनी बात प्रॉपरली? चलिए ठीक है, अगर समझ गए तो क्या करना है, लाइक करना है। समझ तो गए हैं 100%, हाँ मुझे भी पता है। ठीक है, लाइक करना है, इसे कहां क्लासेस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है, अडेप्टेशन प्रॉपर समझ में आ गया। अब अडेप्टेशन दो टाइप का होता है, एक होता है अडेप्टेशन कैसा आपका परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। ठीक है, वैसे जो परमानेंट है अडेप्टेशन उसको ही हम वास्तव में अडेप्टेशन मानते हैं, और जो टेम्परेरी अडेप्टेशन से हम कह देते हैं, बहुत सारे लोग उसे अडेप्टेशन ही कहते हैं, लेकिन उसे क्या बोला जाता है आपका, दो टाइप का है, एक है परमानेंट और दूसरा है कौन सा आपका टेम्परेरी। परमानेंट वाला ही आपका क्या है, ट्रू अडेप्टेशन, और ये वाला आपका क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या, कहीं कहीं पर ऐसे कुछ लोग प्लास्टिसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका प्लास्टिसिटी टेम्परेरी वाला, केवल कुछ स्पेसिफिक सीजन में ही प्लांट में चेंजमेंट आते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पर विंका रोजिया सदाबहार, ठीक है समझिए, उस सदाबहार का फूल वैसे तो इतना बड़ा होता है, ठीक है देखा होगा पिंक या व्हाइट कलर का, लेकिन सर्दियों के मौसम में बिल्कुल छोटा हो जाता है, उसका प्लांट का ही छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइट प्रोसेस थोड़ी सी कैसी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है सर्दियों में, समझिए अपनी बात। तो इसीलिए सर्दियों में फ्लावर का साइज छोटा हो गया, गर्मियों में फिर से बड़ा हो गया, तो वो टेम्परेरी हुआ, और उसे हम क्या बोलते हैं आपका प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी। और जो आपका परमानेंट अडेप्टेशन होता है, परमानेंट अडेप्टेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है, वो सीजनल नहीं होता। जैसे अपंसिया में क्या प्रेजेंट होती है, अपंसिया मीन कैक्टस, कैक्टस में स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। कैक्टस अगर आपका डेजर्ट एरिया में लगा है तो उसमें स्पाइन है, आप अपने घर में ले आए, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर तो डेजर्ट नहीं है, वो पानी दे रहे हैं, तो क्या उसमें से लीफ निकल आएंगे, नहीं निकलेंगे ना। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसमें जेनेटिक चेंजमेंट हो चुका है, उसके जीन्स में चेंजमेंट हो चुका है, जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल थी लीफ के फॉर्मेशन के लिए, वो जीन्स रेस्पॉन्सिबल हो चुकी है स्पाइन के फॉर्मेशन। समझ में आई इतनी बात। तो ये क्या है आपका, जो परमानेंट जो अडेप्टेशन होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपके जाते रहते हैं। अब आता है लास्ट जेट, ठीक है, एक तो यूनिवर्सल आपका क्या है प्रोसेस, सत्य है, जो आया है तो जाएगा। ठीक है, जो लिविंग है, लिविंग का एक यूनिवर्सल प्रोसेस है बेटा कि अगर वो लिविंग है तो एक ना एक दिन उसे क्या होगा, मरना ही होगा। ठीक है, तो डेथ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि लाइफ प्रोसेस सारी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, डाइजेशन, वैक्सीनेशन, फोटोसिंथेसिस प्लांट में, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है आपका स्टॉप हो जाता है। ठीक, तो और डेथ भी किसकी होती है, लिविंग की डेथ होती, तो डेथ में सभी लाइफ प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं डेथ। समझ में आगे इतनी कहानी, चलिए तो मैं डेथ पर ये टॉपिक स्टॉप नहीं करूंगी, बच्चे बड़े सेट से हो गए यार मर गए लास्ट में आके। एक और इसमें हम जोड़ लेते हैं, कौन सा आपका इवोल्यूशन। ठीक है, कुछ लोग वीडियो बंद करते हैं हमको, इवोल्यूशन। ठीक है, दुखी नहीं होना, मरना तो है तो दुखी क्या होना, कुछ होके जी लो यार, है ना, सही है। चलो इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन होता है आपका कि बॉडी में कुछ जेनेटिक चेंजमेंट होके न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स कौन माने जाते हैं, हमारे एंसेस्टर्स माने जाते हैं मंकी, हमारे पूर्वज कौन थे, मंकी थे। ठीक है, और मंकी हमारे पूर्वज थे, उनमें धीरे 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 चेंजमेंट आता गया, और चेंजमेंट होते और आपके क्या बन गए, हम ह्यूमन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिविंग में ही आपके क्या हो सकते हैं, इवोल्यूशन हो सकते हैं, हमारे एंसेस्टर मंकी थे। ठीक है, और भाई ऐसा मत करिएगा, हमारे का मतलब है हमारे ही आपके भी, लास्ट ईयर में बच्चों को पढ़ा रही थी, मैंने कहा हमारे एंसेस्टर मंकी थे, वो बोल रहा है अरे मैडम तुम्हारे मंकी होंगे, हमारे तो दादाजी थे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे का मतलब हम सबके, फुल ह्यूमन रेस के। ठीक है, आपके भी हमारे भी अफ्रीका वाले के भी,
और साउथ अफ्रीका वाले अमेरिका वाले सब थे। उनमें धीरे धीरे चेंजमेंट हुआ, ठीक है, ओरैंगुटैंग बने, जावा ह्यूमन बने, क्रोमैग्नन ह्यूमन बने, फिर होमो सेपियंस बने। तो धीरे 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 चेंजमेंट होके और इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो कुछ भी है आपका अगर लिविंग है तो लिविंग में आपके ग्रेजुअली चेंजमेंट होते रहते हैं और एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। हम ह्यूमन बन के हो सकता है हमसे चेंजमेंट होके सुपर ह्यूमन का फॉर्मेशन हो जाए, बिकॉज वी आर लिविंग, हम सभी लिविंग है और लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इवॉल्व, ठीक है। तो सारा आपको समझ में आ गया ये वाला टॉपिक, तो आप फिर से याद दिला दूं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स को। भाई तुम पढ़ रहे हो तो फ्रेंड्स को भी तो पढ़ा दो थोड़ा बहुत, है ना। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।